हेलो वेलकम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी पोटैटो 65। उसके लिए ये हमने कुछ सामग्री ली है। किन चीज़ों की आवश्यकता है वो, तो हमने थोड़ा सा योगर्ट लिया है। पहले हम बॉइल्ड पोटैटो करने रख देंगे। बॉइल प्रॉपर बॉइल नहीं करना है, थोड़ा ग्रेट हो उस तरह से हाफ पोटैटो बॉइल करना है हमको, ज़्यादा नहीं, मैश नहीं करना है। इसलिए ग्रेट करना है उस तरह से। आप पोटैटो पहले बॉइल कर लें। स्वाद अनुसार नमक लिया है, योगर्ट 1 टेबलस्पून, जितना हमने लेमन जूस या लाइम जूस लेना है। थोड़ा सा हमने मैदा लिया है, 1/2 कप जितना। सूखी हुई रेड मिर्च, ड्राई कोकोनट पाउडर, करी लीव्स, धनिया, गार्लिक, जिंजर, जिसको हमको पील करके गार्लिक को हम पीसेस कर लेंगे, जिंजर के भी पीसेस कर लेंगे। अगर आपको ग्रेट करना है तो भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा तड़के के लिए। तो ये है सामग्री पोटैटो 65 बनाने के लिए। अब वो कैसे बनता है वो हम दिखाएंगे। तो पहले आप पोटैटो बॉईल कर लें, उसको ग्रेट कर लें और साइड में रख लें। ये एक बाउल में हमने योगर्ट ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना। और एक पैन में हम ऑयल गरम करने रख देंगे, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना मैदा, और फिर उसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लो। आपको इसको प्रॉपर मिक्स करना है। ये हमारा मिक्स रेडी हो गया योगर्ट के अंदर। अब उसको हम पैन में हमने ऑयल लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी राई, मस्टर्ड सीड्स थोड़ा सा, वो जैसे होगा उसके अंदर हम रेड सूखी हुई मिर्च डालेंगे। तो थोड़ी देर उसको होने दो। उसके बाद जैसे ये होता है, अगर आप पोटैटो ज़्यादा आपके बॉईल हो गए हैं तो आप उसको ऊपर से छिलका निकाल के उसको रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद ग्रेट करें तो आसानी से ग्रेट होगा। तो ये आपका जीरा और राई हो गया, उसके अंदर हम रेड मिर्च डालेंगे और उसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। योगर्ट डालने के बाद पूरा ऑब्जर्व कर ले आप, उसको ड्राई बना ले। अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी रखें, और ड्राई करना चाहते हैं तो पूरा सा ड्राई हो, उसके बाद हम उसके पोटैटो के जो बॉल बनाएंगे वो डालेंगे। ये हमारा थोड़ा सा रेड चिली हो गया, करी लीव्स, उसके बाद ये गार्लिक और जिंजर क्रश किया हुआ, वो हम थोड़ी देर उसको मिक्स कर लेंगे। इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, जिसे भी ब्राउनिश हो तब उसके अंदर ये जो योगर्ट हमने बना के रखा है मिक्सर, वो हम उसके अंदर डाल देंगे मिक्सर को। तो ये 2 सेकंड तक इसको पकने दें और हिलाएं, थोड़ा सा हो जाएगा। और ये वेजिटेरियन डिश है प्रॉपर हैदराबादी पोटैटो 65। तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत जल्दी बन जाती है डिश और आसान है। तो इसको ये हमने सौते कर लिया है गार्लिक थोड़ा, उसके बाद हम ये योगर्ट जो बनाया था वो हम अंदर छोड़ देंगे और इसको पूरा 2-3 मिनट तक इसको पकने दें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से। पोटैटो हमने ग्रेट कर लिया है, उसके अंदर हम अब मसाला डाल देंगे,
रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, आप टेस्ट के अनुसार आप कम ज्यादा डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, ज्यादा नहीं, अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा, फिर चख के आप डालें लाइम जूस या लेमन जूस, हाफ अ लाइम जूस अंदर डाल के, फिर मैदा हम डालेंगे और सम खरी अंडा कट किया हुआ बारीक बारीक वो हम डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। और एक तरफ हमने ऑयल रख दिया है पैन में गरम करने के लिए, तो ये मिक्सर बनाए और फिर उसके छोटे छोटे इसमें से आप बॉल बना के ऑयल में फ्राई कर ले। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले, मसाला आप टेस्ट कर ले, कम ज़्यादा आपको लगता है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट और चिली पाउडर, कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो ये हमारी आज की डिश रेडी हो गई है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गार्निश सिंह कोकोनट डाल के, हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, आप चाहे तो ड्राई भी बना सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा कोकोनट ऊपर गार्निश सिंह और धनिया गार्निश सिंह करके गर्मा गर्म इस डिश को आप सर्व करें, राइस चपाती और ऐसे ही खाएं तो भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है, हैदराबादी पोटैटो 65। तो ज़रूर ये बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।